रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ सिविल अस्पताल में जन्म देने के बाद महिला की मौत हो गई, मगर नवजात शिशु को हॉस्पिटल के स्टाफ में से किसी भी डॉक्टर या नर्स ने दूध तक नहीं पिलाया। इसके बाद एक महिला ने अपने पैसों से दूध मंगाकर बच्चे को पिलाया। हॉस्पिटल में केरवाबाई नाम की महिला को लेकर उसका परिवार आया था, जहां उसकी डिलीवरी हुई, मगर शरीर में खून की कमी के कारण महिला की मौत हो गई। जहां महिला की मौत हुई तो वहीं नवजात शिशु भूख के मारे 4 घंटे से तड़पता रहा, मगर किसी ने उसकी चीख पुकार तक नहीं सुनी। आखिरकार एक महिला ने उस नवजात शिशु को दूध पिलाया, तब जाकर बच्चे का रोना बंद हुआ। इस तरह की लापरवाही धर्मजयगढ़ सिविल हॉस्पिटल में देखने को मिली है। इसी कारण से लोग सरकारी हॉस्पिटल्स में जाना पसंद नहीं करते हैं, और सरकार है कि कई योजनाएं चालू करती जा रही है, मगर उन कर्मचारियों की सोच फिर भी नहीं सुधर रही। अब देखो अत्यधिक कमी के कारण से जो है ना उसकी डेथ हो गई। तब मात्रा करीब जांच कराया गया तो 4 ग्राम पाया गया उसका, तो ये कारण से अब क्या यहाँ सिविल अस्पताल रिफर किया गया था, तो उन्होंने इसे पहले ही जो है ना उसकी जांच चली गई थी। जबल